छात्रों के खिलाड़ी के लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस आप लोगों ने की है? अभी हम लोगों ने देखा आप लोगों की बॉन्डिंग तो अच्छी हो ही गई है, तो प्रिपरेशंस क्या कुछ है, कैसे एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं आप लोग? आपसे स्टार्ट करते हैं, मुझसे आप ही करें ना उमंग। आई थिंक हम सब जितनी अच्छी एनर्जी है हम सब में का छोड़ वो वैसी बनी रहे, एंड आई थिंक जब हम लोग टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे हम सब एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि वो अपना टास्क अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, और जब हम साथ में कम्पीट कर रहे होंगे देन ऑब्वियसली हम बेस्ट से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और टक्कर देंगे। आपने प्रिपरेशन क्या किया है? प्रिपरेशन ये है कि आई थिंक पूरी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रिपरेशन करते रहते हो, एंड मेरे लिए तो खतरों के खिलाड़ी में आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। तो जैसे कि इनका कहना है कि मैं जिम नहीं करता हूँ, मैं जिम्स करता हूँ, तो बट दैट हैज नथिंग टू डू विद खतरों के खिलाड़ी बिकॉज इट इज लॉट टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो आई थिंक लेट्स सी कि किसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। मुझे लगता है कि यू नो खतरों में जिस तरह के स्ट्रेंथ्स हम फेस करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया या हाइट हो गई, वैसे इंटरेक्शन हम रियल लाइफ में तो कभी फेस ही नहीं कर पाते। आई मीन 40th फ्लोर से जंप करना एंड ऑल दैट, तो पता नहीं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी, अगर कोई देता है तो प्लीज बताइए। लेकिन पिछले दो महीने से थोड़ा डाइट खाने और पीने का ध्यान रखा है। इसने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। खाने पीने का ध्यान और आई थिंक थोड़ा स्टैमिना एंड्योरेंस उस सब पे एक दो महीने से ध्यान दिया गया है, मतलब बाकी जैसा झूठ बोल रही पार्टी कर रही थी 3 दिन पहले एंड्योरेंस से ही पार्टी कर लेना देना। और जैसे नेति बोल रही थी आई थिंक ऐसी कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकती। मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं हमें, मगरमच्छ तो दिखता है यहाँ पे, बाकी तो भगवान मालिक है क्या होगा। हनुमान वाले डेफिनेटली याद। ओके, कोई फोबिया जिसे आप ओवरकम कर सकते हैं ऐसा आप लोगों को लगता है शो में, कोई फोबिया आप लोग अपना बताना चाहेंगे? थोड़ा सा मतलब छेद हो डब्बे के अंदर लाइफ, उतना से ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मेरे को अरेक्नोफोबिया है, विच इज़ द फियर ऑफ रेप्टाइल्स और स्पाइडर्स और हाइपोट्रोपोफिया, सांप और ऐसी चीज़ें हैं, बेसिकली जानवरों से डर लगता है। बाकी तो कूदा लो कहीं से भी मेरे को और डुबा दो कहीं पे भी, बच के आ जाऊँगा मुझे लगता है। बाकी कलर्स टीम और एनिमल ने प्रॉमिस किया कि मरने नहीं देंगे तो ठीक है, बाकी सब नेते वर्ड आउट। मुझे पानी का बहुत डर लगता है, स्पेशली वो जो स्टंट्स होते हैं ना जिसमें पानी के अंदर जाके सांस रोक के ताला खोलना है, ये सब वो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, जैसा मेरा चेहरा अभी आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। और पप्पू मुझे नहीं पता, चाबी अभी से बनवा जाते हैं, बट वो मुझे पानी में सांस लेना तो नहीं सिखा। पानी में सांस से कोई नहीं ले सकता। एग्जैक्टली, वो मैक्सिमम टाइम आप कितना रोक सकते हो, कितना रोक सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है हमेशा पानी को लेकर यार, जैसे हम हवा नहीं देख पाते हैं, क्या मछलियां पानी देख पाती हैं? ये टेक्निकल क्वेश्चन है। मेरा फोबिया हर चीज से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर चीज से मेरी फटती है। एक सडनली अगर बच्चा पीछे से आगे मेरे ढप्पा भी कर देगा मेरी फट जाएगी, दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट रिएक्शन आई हैव। बट देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज आई लाइक फेसिंग इट, सो लेट्स फेस इट। देन आई थिंक खतरों के खिलाड़ी अपने आप में बहुत बड़ा शो है, और
हमने इसे नहीं चुना, इसने हमें चुना, राइट? I might be talking wrong on behalf of anybody else, but I'm sincerely talking about myself. I'm really obliged, honored कि उन्होंने मुझे चुना है and ये opportunity दी है and let's make most out of it. Yeah, absolutely. Yeah. But I think जो चीज़ मतलब सही वक्त पे सही चीज़ होती है and ये हमारा वक्त है, इसलिए हम यहाँ हैं. ये वक्त हमारा है. इस बार रोमानिया में हो रहा है, केप टाउन में नहीं हो रहा है. कुछ तो ऐसे रहे जैसे हम लोग रोज केप टाउन जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर शो केप टाउन में ही शूट किया गया. इस बार आपकी मेट्रो अलग जा रही है. इस बार रोमानिया में आया तो हमें रोमानिया का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, यू नो. और लकीली रोमानिया में भी गर्मी है तो गुड फॉर अस. 11 डिग्री है, मैंने भी वही चेक किया, उनकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है. हां बट एटलीस्ट रूम टेंपरेचर वाइन वहां की अलग होती है, हमारी अलग है. इट्स बेटर देन यू नो अदर कंट्रीज. इट्स गोइंग टू बी पानी में सांस रोकना पड़ेगा 11 डिग्री पे तो बेटर ही होगा. माइनस डिग्री से तो बेटर ही होगा. आप सभी का फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन सा रहा, ऑल सीजंस के अगर मैं बात करूं? या मेरे तीन रहे भारती, पुनीत एंड तीनों. तीनों बहुत ही रियल, ऑर्गेनिक, एंड अगर उन्हें डर लगा है तो उन्होंने डर को फेस किया है और उससे लड़े हैं और अपने अपने तरीके से लड़े. लाइक डीनो हैज बीन रियल एंड रॉ, whereas if you talk about Puneet, to Puneet has been very statistically drawn towards a task. Bharti, hum sab kaise hai na, phat rahi hai to phat rahi hai, magar khelenge, koi baat nahi, kar wo main kar lungi. To yeah, very real and raw. Aditi, yes. Mujhe Dino definitely performed so well. Arjit ne bahut acha perform kiya, uska bahut major fear tha height ka, usne wo overcome kiya. I think that too tin char hua. Yeah, completely. And Divyanka Tripathi, she has performed बहुत अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए, यू नो, जहाँ पे बहुत ही एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ की जरूरत थी और उसने वो सारे स्टंट्स बहुत ही अच्छे से किए थे. मैंने कोई सीजन नहीं देखा है, थोड़े बहुत इधर उधर के स्टंट देखे हैं, बट फ्रेंड्स हाँ, वही का देखा था मैंने, एक आध एपिसोड रवि का देखा हुआ है, बट जस्ट टू थ्री स्टंट ऑफ सी साइड, नॉट आई हैव नॉट फॉलोड द सीजन. आई थिंक फियर फैक्टर जब पहला आया था फॉरन वाला वो देखा था मैंने सब, बट अदरवाइज आई हैव नॉट रियली फॉलोड द सीजन. खतरों के खिलाड़ी में जितने भी स्टंट है, ऐसे कौन सा स्टंट है जो आपको करने का वो मौका ना मिले? अभी बता दो ताकि वही वो देंगे. ऐसा होता है, वो पहले पूछते हैं कि कौन सा स्टंट किस चीज से आपको डर लगता है, फिर वो आपके सामने रखते हैं. तो ऐसा कोई है स्टंट जो आपको? हम उल्टा करेंगे ना, आप बताएंगे वो स्टंट. मुझे हाइट से बहुत डर लगता है और पानी तो मैं मछली की तरह तैरती हूँ यार. जानवरों को तो खा जाता हूँ मैं, जानवर कोई भी स्टंट होगा यूं कर लूंगा. हाँ, हाइट पे मत डालना और क्या, और गाड़ी में चलवाना मुझसे. हाँ, गाड़ी में चलवाना मुझे. हाँ, बहुत ऐसे से होता है. रोहित सर सुन रहे हो ना आप? प्लीज सर. ओके, इस साल यू नो काफी कंटेस्टेंट्स हैं, हू डू यू थिंक कि आप लोग का टफ कंपटीशन हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब ये चीज पता चलेगी. अभी तो सब अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करके आ रहे हैं. आप किसी की बॉडी को देख के जज नहीं कर सकते हो, या आप बस ऐसे इंस्टाग्राम पे हाँ स्टॉक किया पता चलेगा हाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यू कांट जज दैट. जब तक आप उधर जाके उनकी परफॉर्मेंस आ देखो, क्योंकि प्रीवियस सीजन में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बहुत फिट एंड स्ट्रॉन्ग ऐसा लगा था ये तो मतलब जीत भी सकते हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी. ऑल्सो आई थिंक सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है. आई मीन किसी की एंड्योरेंस अच्छी होती है, किसी का पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा या कम होता है, किसी के कुछ फोबियाज होते हैं. सो आई थिंक उस वजह से भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है. अब तक तो मैं बोल रहा था मुझसे डर गए होंगे सब, लेकिन अब इनकी बातें सुन के मुझे इन दोनों से डर लग रहा है. ये पूरा प्रिपेयर्ड आई हैं कि क्या होगा वहाँ जाके बताएंगे. हाँ, मतलब एक्चुअली वही होता है ना, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों से लड़ने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप पहले खतरों से लड़ने जा रहे हो, उसको टाइमली कैसे लड़ पाओगे वो देखने जा रहे हो, उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो यू कांट रियली थिंक अबाउट इट बिफोर हैंड एंड टेक योर गेम फॉरवर्ड. ओके, लास्टली अपने अपने कॉम्पिटिटर को कोई मैसेज? ओके, थैंक यू.